वेलकम माई चैनल कीप शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रिंग बफर के बारे में बताने जा रही हूँ। स्ट्रिंग बफर कैसे वर्क करता है, वो स्ट्रिंग से कैसे डिफरेंटली वर्क कर रहा होता है और इसके अंदर बहुत सारे जो अपने कीवर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रिंग आपका फिक्स कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इम्यूटेबल कैरेक्टर्स की सीक्वेंस होती है, मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हो सकते हैं, और जो चीज़ें आपकी चेंज हो सकती है उनको म्यूटेबल कहा जाता है, म्यूटेबल स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बफर आपकी म्यूटेबल स्ट्रिंग होती है, रिप्रेजेंट करती है एज अ म्यूटेबल स्ट्रिंग, जो जो कि आप चेंज हो सकती है, रिप्लेस हो सकती है, अपेंड हो सकती है, कुछ भी आपको उसमें चेंजेस करने हैं, वट एवर हम उसमें कर सकते हैं, अपडेटिंग, मॉडिफाइंग, एडिटिंग, डिलीटिंग वर्क कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर्स में आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें कर अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग में ये सारी चीज़ें करनी, कुछ चीज़ ऐड करनी, कुछ डिलीट करनी, कुछ रिप्लेस करनी है, तो स्ट्रिंग बफर आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं, कोई ऐसी स्टैटिक स्ट्रिंग है जिसमें आप कभी कुछ कभी कभार कभी कुछ चेंज करनी है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो स्ट्रिंग क्लास आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको पता होगा कि आपको चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं, उस तरीके की स्ट्रिंग आप चूज़ कर लीजिए। स्ट्रिंग बफर आपका ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को कंटेन करता है जिसको वो बफर कह रहा होता है। उस बफर की अगर लेंथ को माना जाए तो वो एज अ कैपेसिटी मानी जा रही होती है उस स्ट्रिंग बफर की, ऑब्जेक्ट की। तो ये आपका जो लेंथ होता है ये आपका स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट की, मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ द बफर आपका डिफरेंट होता है। स्ट्रिंग बफर आपका तीन तरीके के कंस्ट्रक्टर्स को डोनेट करता है। सबसे पहला आपका होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो मतलब आपका स्ट्रिंग बफर, जिसमें वो जो आपका नॉर्मली आपका 16 कैरेक्टर को रिजर्व करके रखता है। दूसरा आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, जिसमें आपका इंटीजर आ रहा होता है, जो इंटीजर के अंदर जो वैल्यू होती है वो आपके साइज ऑफ द बफर को डोनेट कर रही होती है, और वो आप क्योंकि इंटीजर कैरेक्टर्स मतलब आपका ऑक्यूपाई कर रहा होता है। इसके बाद तीसरा आपका आता है स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग एसटीआर। एसटीआर जो सेट करता है वो आपका इनिशियल आपका स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट को सेट करता है, और नॉर्मली आपका 16 कैरेक्टर से ज़्यादा वो रिजर्व करके रखता है। इसमें आपकी कैपेसिटी ऑफ लेंथ और दोनों लेंथ दोनों आपके यूनिकोड कैरेक्टर में होती है, और जितना भी बाइट्स होते हैं उससे दुगनी वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपका ये कैपेसिटी जो भी होता है वो 16 प्लस जो भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है वो उसको ऐड कर देता है उस 16 में, और उसका आउटपुट कैपेसिटी दे रहा होता है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका जो स्ट्रिंग आपकी जो भी लेंथ होती है स्ट्रिंग की, वो आपकी स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ कहला रही होती है, और कैपेसिटी जो भी मेमोरी आपकी एलोकेट होती है वो आपकी कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिंग बफर कहला रही होती है। इसके बाद आपका एक छोटा सा एग्जांपल जहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ, जो चीज़ें आपकी लेंथ और कैपेसिटी में डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपको क्लियर करना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपका एसबी में आपका हेलो डाला हुआ है, जिस वजह से जब हम प्रिंट करा रहे हैं बफर, बफर में एसबी को प्रिंट करा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा एसबी में आपकी जो वैल्यू हेलो पड़ी हुई है वो एज इट इज़ आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेंथ में आपका काउंट करेगा 5 कैरेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली वो काउंट करके 5 कैरेक्टर को 5 मतलब प्रिंट कर देगा। और कैपेसिटी मैंने बताया था 16 प्लस जो भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर है, तो 16 प्लस नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 5 है, तो जिस वजह से 16 प्लस 5 मतलब आपका 21 कैपेसिटी आ जाएगा। तो आप समझ गए लेंथ और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है, और ये आपका आउटपुट इस तरीके से आपका शो हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है वर्ड सेट लेंथ। लेंथ में आप जो भी आप लेंथ मतलब स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं लेंथ ऑफ द बफर वो आ जाएगा। कैरेट में आप जो भी इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं वो, और सेट पे आप जो भी स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं वहाँ पे वो आपकी शो हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी हम वैल्यू आपकी सेट में डाल रहे होंगे सेट कैर में, वहाँ पे एक तो इंट वेयर कहाँ पे, और आपका आपका सी एच क्या है, न्यू वैल्यू जो भी आप उस पर डाल सेट करना चाह रहे हैं वो क्या होगी,
वो बताएगा। इसको मैं एक बार एग्जांपल से देख लूँगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फ्रेंड्स से यहाँ पे मैंने आपका मतलब एक आपका एसपी में जो स्ट्रिंग बफर लिया है उसमें आपकी हेलो स्ट्रिंग ली हुई है। और जब मैं अगर आपका एसपी को सबसे पहले जब प्रिंट कराना चाह रही होंगी तो मैं मेरा मैसेज डिस्प्ले होगा बफर बिफोर और उसमें आपकी हेलो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद कैरेट वन, वन मतलब आपका वन पे आपकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो पे आपका हेलो है, ई पे आपका वन है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ई आ जाएगा। इसके बाद सेट, सेट पे मैंने आपको बताया कहाँ पे और क्या वैल्यू, तो वन पे वो आई को रिप्लेस करना चाह रहा है, सेट करना चाह रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ तो सेट होगा पर कहीं प्रिंट नहीं होगा। और लेंथ आपकी वो नई लेंथ सेट करना क्या जा रहा है, टू कैरेक्टर, तो आपका हेलो में तो फाइव था तो स्टार्टिंग के टू कैरेक्टर वो सेट करना चाह रहा, लेकिन वो वहाँ पे आपको जो दिखा रहा है कि वो ई की बदली आई को रिप्लेस करना चाह रहा है। इस वजह से जो आपका आउटपुट आएगा आफ्टर बफर वो है, पहले तो आपका एच आई आ जाएगा और आपका कैरेट पे जो नंबर ऑफ कैरेक्टर वन पे क्या है वो आपका आई अप शो कर रहा होगा। तो आपका आउटपुट बिफोर बफर में पूरा हेलो था, फिर कैरेट पे ई हुआ, आफ्टर बफर में एच आई हुआ और आपका आफ्टर बफर में आई की वन की वैल्यू आई आ गई। अब यहाँ पे मैं आपको वही गेट केयर में दिखाना चाह रही हूँ। इस गेट केयर में आपका क्या होता है कि आपकी जो भी सोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, सोर्स फिर कहाँ पे कम ख़त्म होता है, आपका जो भी टारगेट है वो टारगेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टारगेट स्ट्रिंग और फिर वो टारगेट कहाँ तक, हमेशा याद रखिएगा जो भी सोर्स एंड होता है, जो भी नंबर लिखा होता है माइनस वन वो उसको मतलब मान के चल रहा होता है। तो सब स्ट्रिंग आपकी नॉर्मली स्टार्ट सोर्स से लेके एंड सोर्स माइनस वन तक वर्क कर रही होती है। तो आपका टारगेट क्या रहता है, जो भी आपका एरे रिसीव हो रहा होता है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स वो आपका टारगेट होता है और उसके अंदर की टारगेट के अंदर की जो इंडेक्स होती है वो आपकी टारगेट स्टार्ट बताया जा रहा होता है। आपका अपेंड मेथड जो होता है वो कॉन्कैटिनेट कर रहा होता है स्ट्रिंग को, मतलब कॉन्कैटिनेट मतलब आपका जोड़ रहा होता है, कोई भी अलग अलग टाइप की जो भी आपका जो भी डाटा है वो सबको एक साथ जोड़ सकता है। इसमें आपके दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं, एक तो आपका स्ट्रिंग्स में आ जाता है और दूसरा आपका इंटीजर में आ जाता है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको दिखाऊंगी जिससे कि आपको अपेंड किस तरीके से हमारा नॉर्मली वर्क कर रहा होता है वो बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपका अपेंड डेमो एक क्लास लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने आपकी एक स्ट्रिंग ली है एस और आपका एक इंटीजर लिया है 42 जिस ए है, तो आपका एस पी में मैंने आपका 40 पास करा हुआ है। अब मैं यहाँ पे उस एस में आपका सबसे पहले अपेंड क्या कर रही हूँ, ए इक्वल टू, तो ऑटोमेटिकली ए इक्वल टू आया डॉट अपेंड ए, ए में आपका वैल्यू क्या है 42 है, फिर आपका अपेंड आपका फर्स्ट ऑफ ईयर्स तो वो आपका कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेटरी साइन आपका डिक्लेयर कर दे रहा, तो आउटपुट और डॉट टू स्ट्रिंग मतलब इसको स्ट्रिंग में क्योंकि इसमें इंटीजर था तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आपकी वैल्यू यहाँ पे नॉर्मली डिस्प्ले कर दे रही है ए इक्वल टू 42 एक्सक्लेमेटरी साइन। बहुत ही सिंपल से आपको अपेंड को वर्क करा दिया गया है। इसके बाद आपका स्ट्रिंग मेथड आता है। स्ट्रिंग में मतलब आपकी कोई भी एक स्ट्रिंग में अगर आपको बीच में कुछ और ऐड करना है, कहीं पे जो कुछ भी ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मतलब कौन से इंडेक्स पे आपको क्या ऐड करना है वो दो चीज़ डाली जाती है, तो इंट इंडेक्स मतलब इंडेक्स नंबर आप डालिए और स्ट्रिंग क्या आपको वहाँ पर ऐड करनी है। इवन अगर आप कुछ चाहें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर तो वो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर भी आप एज इट इज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपका बफर एस पी में आपका जो स्ट्रिंग बफर में आपका आई जावा लिखा हुआ है और जैसे मैं आपका एस पी में सेकेंड इंडेक्स पे, सेकेंड मतलब आपका ज़ीरो पे आई हुआ, वन पे स्पेस हुआ और उसके बाद टू पे आपका जे जहाँ पे जावा आ रहा था वहाँ पे उसने तुरंत इंसर्ट क्या कहा है, लाइक को इंसर्ट कर दे। और देखिए लाइक एल आई के ई और उसके बाद एक स्पेस आ रहा है तो जिस वजह से वो ऑटोमेटिकली स्पेस तक इंसर्ट करेगा और इंसर्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो जे वाला जावा था वो आगे आपका मतलब बढ़ जाएगा और आपका बीच में आपका जो आई और जावा उन दोनों के बीच में आपका जो आपका लाइक
प्रिंट कर देगा। तो बहुत ही सिंपल से प्रिंट हो जाएगा कि आई लाइक जावा आपका आउटपुट शो हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपका रिवर्स जो मेथड होता है वो रिवर्स मतलब जैसे कि वर्ड ही आपको एक्सप्लेन करता है कि वो स्ट्रिंग को आपका रिवर्स करके आपको शो कर रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे एस में आपका ए बी सी डी ई एफ जी डाला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जैसे हम रिवर्स करेंगे तो वो पूरी स्ट्रिंग को उल्टा करके आपको प्रिंट कर देगा। फ्रेंड्स इसी तरीके से रिवर्स की तरीके से हमारा डिलीट भी होता है मेथड। डिलीट में आपका स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से आपको डिलीट करना है, कौन से इंडेक्स से और किस इंडेक्स तक, तो इंडेक्स जो भी होती है उससे माइनस वन मतलब एंडिंग इंडेक्स जो भी होती है वो एंड इंडेक्स माइनस वन तक वो कैरेक्टर उसके बीच के डिलीट कर देता है। इसी तरीके से अगर आपको स्पेसिफिक कोई लोकेशन मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर कोई डिलीट करना है स्पेसिफिक कैरेक्टर स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो वो आपको आपका जो भी लोकेशन है वो लोकेशन डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्पेसिफिक कैरेक्टर उस लोकेशन पे जो भी होगा उसको वो वहाँ से डिलीट कर देगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। यहाँ पे मैंने आपका एस बी में दिस इज़ अ टेस्ट स्ट्रिंग डाली हुई है जिसमें डिलीट फोर से लेके सेवन, सेवन मतलब वो सेवन तक तो नहीं, सेवन माइनस वन मतलब सिक्स, तो फोर से बीच से सिक्स तक के बीच में जो भी कैरेक्टर आएगा, तो दिस में आपका फोर पे आपका आपका इज़ आ रहा है तो फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स में आपका इज़ आ रहा होता है तो वो इसको यहाँ से आपका पूरा रिप्लेस मतलब वो पूरा यहाँ से रिप्लेस नहीं एक्चुअली वो उसे डिलीट कर देगा। तो फर्दर अगर आप आफ्टर डिलीट उसकी स्ट्रिंग पढ़ोगे तो दिस ए टेस्ट, क्योंकि आपका ए ए से पहले वो जो स्पेस आया वो सेवन्थ कैरेक्टर पे इसलिए स्पेस रहेगा, इसलिए दिस स्पेस ए और आपका टेस्ट जो एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद अगर आप कैरेट ढूंढना चाहोगे डिलीट कैरेट ज़ीरो, ज़ीरो मतलब ज़ीरो इंडेक्स जो भी है उसको स्पेसिफिक एक उसका कैरेक्टर डिलीट कर दो तो ज़ीरो इंडेक्स पे आपका क्या है टी है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कैरेट पे वो आपका टी को डिलीट कर देगा तो पूरी स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट होगी पर सबसे पहला जो कैरेक्टर था टी वो आपका प्रिंट नहीं होगा। डिलीट की तरीके से हम रिप्लेस भी करना चाहें जो भी हमारी स्टार्ट इंडेक्स है जो भी हमारी एंड इंडेक्स इन एंड इंडेक्स मतलब एंड इंडेक्स माइनस वन और उसकी बदली आपको जो भी स्ट्रिंग रिप्लेस करके डालनी है वो स्ट्रिंग डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो चीज़ रिप्लेस हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आपका जो स्ट्रिंग ली है वो दिस इज़ अ टेस्ट है उसमें आपका रिप्लेस फाइव टू सेवन कैरेक्टर, सेवन मतलब सेवन माइनस वन वो आपका सिक्स मतलब आपका फाइव पे आपका इज़ आ रहा है इज़ और वो इसको रिप्लेस करके वॉस कर देगा तो आफ्टर रिप्लेस आपका दिस वॉज अ टेस्ट आ जाएगा। अब फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे आज का वीडियो कंप्लीट होता है और मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनको आप उसके प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करिएगा ट्राई करिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट मी एंड आई विल सॉल्व योर क्यूरीज। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही और यहाँ पे आज आपका मैं स्ट्रिंग का टॉपिक आपका कंप्लीट करती हूँ जावा में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग होगा जिससे रिलेटेड हम नई जल्दी ही इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। टिल देन लव एंड पीस टू ऑल, बाय बाय।